तो मुझे ना एक पिक्चर भिजवाई उन्होंने, सीक्रेट पिक्चर थी। अब पिक्चर जैसे भिजवाई ना, उसके बाद फौरन डिलीट भी कर दी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सेव नहीं ना की थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका शो पे आने का, और फखर आपका भी, थैंक यू वेरी मच। तो अहमद, अनदर कमबैक बड़ी, हाँ, कितना कमबैक किया, कितनी दफा? आई थिंक सिक्स, छः माह कमबैक। कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उस पर प्रेशर बड़ा होता है पैर पे, कि हर दफ़ा एक दफ़ा जगह बन जाए तो यू प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। सो फिट लग रहे हो, क्या किया जब एक साल नहीं खेला पाकिस्तान से, और फीलिंग्स क्या थी? बिरयानी नहीं खाई। नहीं खाई? लास्ट बिरयानी कब खाई है? दो साल हो गए। रियली? और तूने? मैं तो खाता रहता हूँ। अब तो नेचुरली पतला है ना तू, फैट कंटेंट भी कम है। दो चीजें हैं ना वसीम भाई, हाँ। इसमें कुछ लोग हैं जिसमें जो बहुत थिनी है, हाँ। उनको इतना कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, वो जिम जाते हैं, एक अच्छी रूटीन रखते हैं। हाँ, मैं तो पानी भी लग जाता है। जैसे शेबी शुएब मलिक को ले लो, हाँ जी बिल्कुल, he trains a lot, बिल्कुल। But he's, खाना भी देख के खाता है। फिजिक उनकी जो है ना इसी तरह, शान मसूद हो गए, वो थिन है, तो हम में तो पानी भी लगता है, तो हमें बहुत लगता है पानी कम पी रहे हैं, पानी भी कम पी रहे हैं, सब कुछ कम पी रहे हैं। So how is the feeling? पहले तो फखर से पूछता हूँ, नया सीजन शुरू हो रहा है, नई मैनेजमेंट आई है, तो कैसा फील करते हैं सीजन से पहले? ऐसे बैट्समैन के गोल्स हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और गोल्स तो बिल्कुल है, और नई मैनेजमेंट भी है जिस तरह आपने बताया। तो जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो आप बहुत कुछ आपके माइंड में भी आता है, डाउट्स आते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो काफ़ी चीज़ें नई हो रही है और बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ उसको। सो न्यूज़ से बड़ा आउट रहा है तू साल दो, नो सेल्फीज, नो सोशल मीडिया, पर्पसली किया? जी। अच्छा, देखिए उसी में जब सोशल मीडिया वगैरह आया तो वी वर द वन, जो पाकिस्तान टीम में जिस हाइप मिले तो क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला उसको, हाँ। अब सब कर रहे हैं, हाँ, अब सब तूने ट्रेंड शुरू किया था, अब सब कर रहे हैं, तो अब वो मैं नहीं कर रहा, हाँ। तो आई थिंक आई एम डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया का कुछ हिसाब इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी से, नेगेटिविटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ जाती है, और स्पेशली हम लोगों को थोड़ा सा ना मैनेजर्स भी रखने चाहिए उसके लिए, ओके, और जिस तरह, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी प्लेयर वी आर एम्बेसडर्स, तो हम जिस तरह उसको यूज़ करते हैं अक्सर, तो वो अच्छा मैसेज जाता नहीं है। तो ये दो चीज़ें हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। तो फखर, वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया आपका, सो जब वापस आए तो आपको डाउट्स थे कि मैं रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या क्या होता है प्लेयर के जहन में, कैसे गुजरता है? बिल्कुल डाउट्स थे, और जब आपका एक टूर्नामेंट ऐसा गुजर जाए तो आपके माइंड में डाउट्स भी आते हैं, और मुझे 90% तो मैं श्योर था कि वनडे में मेरा नाम बहुत मुश्किल से, इसको तो ख्वाब भी आ रहे हैं, ख्वाब भी आते हैं, डाउट आ रहे थे, ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब शायद इनको आए होंगे, मुझे ख्वाब नहीं है, लेकिन अच्छा, लेकिन ये है कि बिल्कुल डाउट था मुझे, और T20 के लिए मैं था कि आएगा नाम, लेकिन वनडे में मेरा सुन। सोशल मीडिया पे हो आप? मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम, हाँ, बड़ा कम देखा है तुझे, तो इसका मतलब तुझ पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, बिकॉज सोशल मीडिया पे बड़े लोग कमेंट्स भी देते हैं। नहीं, मैं ट्विटर मेरा तकरीबन एक दफ़ा पासवर्ड भूल गया था, तो एक लड़का दोस्त है, फिर उसने रिकवर किया, पासवर्ड भूल के फिर रिकवर किया, फिर एक महीना यूज़ किया साउथ अफ्रीका टूर पे, दोबारा भूल गया पासवर्ड, तो अल्लाह का शुक्र है तो एक साल हो गया अभी तक वो। तो उसका एक बड़ा अच्छा सीक्रेट है, उसको लिख लो कहीं, फिर नहीं भूलेगा। नोट होते हैं जो मोबाइल पे, नोट उस पे डाल ले, मैं भले जितने भी नोट कर लूँ मैं भूल जाता हूँ, बस वो नोट भी भूल जाता हूँ। अच्छा, तो टू किड्स कितनी उम्र है? बेटा मेरा 3 साल का हो जाएगा दिसंबर में, और जैन फखर, ओके, और बेटी मेरी 1 साल की हो जाएगी दिसंबर में। तो कैसा लग रहा है बीइंग अ डैड? बहुत अच्छा लगता है, और अभी वो लोग मेरे साथ ही है। अच्छा, और जब अहमद भाई से रात को यही बात हो रही थी कि फैमिली से दूर तो, रहना। फॉर इंस्टेंस कल बहुत बड़ा मैच है इंडिया से, अगर आपको छोटा ना सोया तो क्या करेगा? मैं किसी और कमरे में सो जाऊंगा। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट मी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मैच है सुबह से, इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल और फाइनल ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी, फैमिली साथ है, तो छोटू रात को उठ जाएगा तो क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता कि रात को 3 बजे किसी और कमरे में जाके सोए। इन द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मैनेज इनसाइड, सब कुछ भुला के, व्हाटएवर इट इज, जो हो गया इट वाज आवर डिसीजन, फैमिली भी कमरे में थी, उठ भी गया,
अब ग्राउंड में है, वो सब कुछ पीछे है, परफॉर्म कैसे करना है दिस मैच? नहीं, मैंने एक इसका सीक्रेट ढूंढा हुआ था। क्या? मैं कमरे ही और ले लेता था एक रात पहले। बिल्कुल ठीक है सर, आप कुछ भी कर सकते थे, तुसी किंग्स हो, यू कुड हैव डन एनीथिंग। नहीं, आई यूज्ड टू पे फॉर दैट। मैं कह रहा हूँ कि पे आप पूरा होटल ले सकते थे। अच्छा मुझे ये बता अहमद के, यू नो, बड़ी आपकी क्लोजनेस है अभी भी शाहिद अफरीदी से, लाला से, तो अब तो मुलाकात कम होती, बात ही होती होगी, मिस करता है वो डेज? पिछले दो साल में उनसे बहुत कम, because he's traveling a lot as well. He also traveling. I was also just thinking about one thing, how I'm going to come back in the team. अच्छा। तो on and off कभी उनका hoop not out का जो brand है उसके लिए, इधर commercial shoot के लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है, messages हो गए, कोई video रजाक भाई की आ जाती है तो वो अक्सर share करते हैं तो उस पे laugh out। तो रजाक भाई की क्या, तुम उसको तंग भी करते थे रजाक को, तुम और लाला दोनों? वो आप उनकी देखे ना videos? देख मुझे भेजी तो तंग बता ना थोड़ा। क्या तंग नहीं कर रहे मुझे आप बताएं तो सही ना। अब एक छोटी सी मैं बताता हूँ एक बात ना, पिछले दिनों दुबई में थे वो, तो वो यहाँ अफगानिस्तान लीग हो रही थी उसके लिए वो बने हुए थे, बहुत खुश थे। आई अहमद, कौन है मैनेजर? मैं ये, अच्छा मैं तेन रखवा देंगा ना। मैं ठीक है सर, वेरी गुड। वो मेरे नाल ही ने सारे जिन्होंने लीग करानी। मैं जी वेरी गुड सर। हाँ, तो मुझे ना एक पिक्चर भिजवाई उन्होंने, सीक्रेट पिक्चर थी। अब पिक्चर जैसे भी भिजवाई ना, उसके बाद फौरन डिलीट भी कर दी। अच्छा, हा। सेव नहीं ना की थी, तो मैं हंसी जाऊँ, कहना हंस क्यों रहे? मैंने कहा सर आप जब कोई इमेज या कोई इस तरह की चीज़ भिजवाते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। रियली? आई क्लाउड में। मैं तुम्हें रजा की बड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ। अभी हमारा दो साल पहले वो था, वो फ्रोजन आइस पे मैच, फ्रोजन लेक थी, सेंट मोरिट्स में, स्विट्जरलैंड में, -15 वेदर था, जो होटल था ना, it was something out of this world. I think duniya mein hum bade hotels mein rukte hain, but that was the best hotel I stayed in. Wo hotel usme 5-6 duniya ke top ke restaurant, Nobu, fir ek French restaurant, fir ek famous Chinese chain, usi chote se town mein. Aap logo ki videos bhi bahut mast hain. To mujhe main, meri biwi bhi saath thi, to humne bada dinner khana book kara Nobu mein, Japanese, I love Japanese. Nobu book ho gaya ji, hum 8 baje pahunch jayenge table pe. To mujhe 6:30 Razak ka phone aanda hai. Ji. Payan. मैं कहा हाँ रिजी बेटा क्या? पायनो खाना आ गया। मैं कहा खाना कितना आ गया? कहना पायन इटली तो कढ़ाई से कीमा है। इटली तो कढ़ाई, इटली से कढ़ाई और कीमा मंगाया बाय रोड, 3 घंटे ड्राइव करके बंदा आया है और दाल भी सी। मैंने कहा रजाक बीवी के साथ आया हुआ हूँ, उसको अच्छे खाने पर लेके जा रहा हूँ, तू खा। बट वेरी नाइस गाय, ऑलवेज बीन वेरी, व्हाट इज उसका लव्स का यूज कर सकते हैं, ऑनेस्ट है वो, इनोसेंट, भोला, इनोसेंट, भोला। अच्छा टीम में चाय कौन पीता है तुम दोनों में से? सुना तू पीता चाय सबसे ज्यादा, शाहीन पीता है। चाय लाओ जी, और साथ में वो भी लाओ, डंकिंग। गाइस टपाल टी इज हियर, पाकिस्तान की नंबर वन चाय। अब ऑप्शन है तुम लोगों के पास, क्या चीज इसमें डबो के खाओगे? देखा रस, केक रस, तू क्या पिक करेगा? उसने तो केक रस पिक किया है, नान खताई भी आई, अंदरून भी, मेरे वाला नहीं यूज करना। ये लॉरी बच्चा है ना पूरा पूरा, यू नो, मेरा बड़ा दिल करता है चीज़ें खाने को, बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं सकता, तो वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, कि अच्छा ही नहीं खा सकता मैं। तो वो इंसुलिन के नहीं, वो डायबिटीज के भी शुगर लेवल्स आगे चले जाते हैं ना। तो रिजी की कोई और स्टोरी बताना है यार। रिजी की एक रिजी भाई की एक स्टोरी ये भी है, वो शायद भाई लोग ये ऑस्ट्रेलिया चले गए, अब वहाँ पे आपको पता है कि लोग मतलब भाई इतनी कुकिंग नहीं करते वहाँ और, और बहुत पाकिस्तानी टीम को प्यार बहुत करते थे वो, तो उन्होंने इनवाइट किया शाहिद भाई, रजाक भाई, ये 4-5 लोग गए, 9-10 डिशेज उन्होंने पूरा दिन लगा के उन्होंने कभी अपने हस्बैंड रास्ते नहीं बनाई, ठीक है, और वो हस्बैंड भी कह रहा था कि आज खैर इतनी मेहनत की है, 10 डिशेज ने बनाए, अब वो खड़ी भी आई, वो सर्व भी कर रही है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, वेल डन ये वो। अब रजी भाई स्लो मोशन, हाँ, 1, 2, 3, 4 पूरे टेबल के खोल के ना, तो वो लोग सारे रजी भाई देख रहे हैं करना की चाह रहे, तो औरत भी देख रही बेचारी कि करना, पालक नहीं बनाई। तो वो औरत के कह रहे पोस्ट सन्नाटा हो गया एकदम, 5 सेकंड 6 सेकंड कोई नहीं बोल रहा, उसका एक रंग आए एक जाए। सो तू कम बैक कर रहा है, जब टीम में वापस आते हैं साल बाद, तो यू नो थोड़ा ऑकवर्ड ही होता बंदा, ऑकवर्ड से बात अनकंफर्टेबल, मेरे दिल की बात, क्योंकि सिंस आप एक्सपीरियंस बहुत है तो आपको बिल्कुल पता होगा। वसीम भाई जब आप टीम में, मैं अभी आया हूँ, सो आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, यार मैंने किस तरह क्या करना है, क्या चल रहा है, कौन किस तरह किसकी दोस्ती किससे है, अब क्या हो रहा है, अच्छा मैंने अभी कितनी बात करनी है,
तो ये सारी चीजें दो दिन तीन दिन जो कैंप में भी थे आई एम जस्ट वाचिंग एंड आई एम स्टिल वाचिंग ऑब्जर्विंग थोड़ा सा पर जब से परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी ना इन द एंड ऑफ द डे वसीम भाई हर एक चीज परफॉर्मेंस से ही होएगी जैसे जैसे प्लेयर परफॉर्मेंस करना शुरू हो जाएगा तो चैलेंज ये होगा कि लेवल हेडेड ही रहना है हद तो बाहर नहीं हो जाना कि लोग ही कहें कि जी देखो जी चार दिन पहले कैसा था हो गया कि आठ दिन पहले सौ की तय हो गया लेवल हेडेड एट द सेम टाइम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी सी वो एक ऑकवर्डनेस रहती है कि तो ये दोस्त है ना सारे ये साल एक साल बाहर रहो तो वो इवॉल्व हो जाते हैं दोस्ती डिफरेंट हो जाती है अब यू नो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सो ओपनर ओपनरों की दोस्ती होती है आपस में मोस्टली कहते हैं ना कि जैसे फॉर इंस्टेंस सचिन था उसके साथ वनडे में सहवाग था यू नो हैंग आउट करते हो ओपनर जो होते हैं कि रियली डजंट मैटर अब रात को जिस तरह बैठे हुए थे इकट्ठे लूडो वगैरह खेल ली क्योंकि कार्ड्स वगैरह ज्यादातर आते नहीं है लड़कों को अपने रूल्स बनाए थे बड़े अच्छा आपने रूल बना दिए लूडो यूनिवर्सल रूल है उसका बेटा मैं भी वही दसन की कोशिश कर रहा हूं कौन समझाए उन प्लेयर कौन कौन सी ए शनवारी तनवास होने ना रूल अपने ने किसी का मर्दान दा किसी का पेशावर दा किसी का स्वामी दा मैं उन्होंने यूनिवर्सल रूल लग रहे हैं वो नहीं समझ आ रही इनका यूनिवर्सल रूल तो देखें नवाज इनके साथ अब नवाज अपनी गोड़ी चलाए ठीक है मेरा पार्टनर है अच्छा पार्टनर आपका पार्टनर है तो वो बेचारे की भी थोड़ा सा दिमाग है वो भी चला था उसका था रात को लग रहा था हां वो सही गोड़ी चल रहा है उल्टा ये दूसरी चला रहा था और उसकी मतलब हम लोग मार देते थे मैंने यार ये अहमद भाई को क्या हो गया यार ये कहते नवाज दूसरे चक्के ने कहा सीधे हो गया ना तो कोचिंग गलत बोल रहा है वसीम भाई इनकी ना तीन गोड़ियां पक गई अच्छा अब हमारी वाली जब इनके घर पे पहुंची ना तो इसका चक्का निकला कहता है मेरे दो भूखी नहीं हो गया लेकिन एंड आखिरी गोटी रह गई तो एंड फुफुआ के आ गई मेरी गोटी को नहीं रह गई कुछ चांस सी तो मेरी तीन पुग गई ऐसा नहीं कितने दूर सी उन्हें मैं मार रहा सी तो मेरे दो चे आए मेरी जी पुगी सी मैं वो भी कर ली किसी ने काट ली हमें तो पता था ना कि क्या हो गया तो जब इनकी बारी गुजर गई मैंने बोला हाँ जी अभी जो आपकी तीसरी वाली है इसको पूरा चलाओगे दोबारा इस तरह था कि न्यूजीलैंड में नवाज था शादाब मैं फहीम और हसन हम लोग साथ खाना खाने जाते थे तो किस शहर की बात कर रहा है नेल्सन की यहाँ पे जल्दी सनी नेल्सन हाँ सनी कहते हैं बड़ा खूबसूरत जगह है वो बहुत खूबसूरत जगह और नवाज के साथ एक सीन भी हुआ था ना मुझे उधर जलजले बहुत आते हैं ना हाँ हाँ तो अब सबके दिल में था यार जलजले आते हैं दिमाग में बात बैठी हुई थी अब नवाज रात को सो रहा है और उसको ना किसी की कॉल आ गई रात को अब वाइब्रेशन हो रही है अब नवाजा ना वो फोन उसका गिर गया नीचे अच्छा नवाजा उठ के भाग गया फोन की वाइब्रेशन के एक्चुअल जलजला आ रहा है जी नीचे गया तो अब सब कुछ नॉर्मल है और चीख के यार जलजला आ गया जलजला गया उन्होंने बोला यार कोई जलजला नहीं है कहता ये क्या हो गया जब ऊपर गया तो किसी की कॉल आई थी मोबाइल नीचे वाइब्रेट कर रहा था हाँ रोटी ग्रुप का बताया तो रोटी ग्रुप फिर हम लोगों ने बोला यार मैसेज वगैरह हर एक को करने पड़ते यार चलो खाने पे चलो तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के यार उसी में मैसेज आता था कि यार आ जाए तो शुरू में कोई कुछ और नाम रखा था अच्छा फिर मेरा शादाब ने उसका नाम रोटी ग्रुप रखा और नवाज को उसका हेड बनाया अच्छा। मोहम्मद नवाज वो हर चीज का हेड होता है रियली उस दिन इंटरव्यू किया चुप चुप रहा है थोड़ा शर्मा रहा था शायद खुलिया नहीं सी होएगा अच्छा नवाज थे रियली नवाज बहुत चुपचाप शर्मा रहा कप्तान साथ था मे बी दैट्स व्हाई अगर मैं यहां पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं अभी आते साल तो मैं उसी की वजह से हूं क्योंकि मैं उससे उठता ही नहीं हूं रियली नहीं उठता मैं प्लेलिस्ट बुरी किसकी है गंदी किसकी है जिसको म्यूजिक सुना नहीं जाता कहीं भी बड़ी गंदी होती है इनकी कौन से कह रहे वो कल मैंने मसाज हो रहा था इनका मैं गया हूं कोई आपका भी फखर आई होप आप दोनों हमें और पाकिस्तान को ऐसे ही एंटरटेन करते रहे जैसे आप कर रहे हैं और साथ में कंसिस्टेंट भी ऑल द प्रेयर्स और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप लोगों से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तुम मैं एक कप चाय एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट